मंत्री तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री और बेटी कात्यायनी के साथ पटना के पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे। वो बेटी कात्यायनी के डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा है, जिसे हर वर्ष रिन्यू कराना पड़ता है। बच्चे का जो आइडेंटिटी कार्ड है, तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी पहुंचे हैं पासपोर्ट ऑफिस। तेजस्वी जी, किस तरीके से आज क्या रिन्यूअल का मामला, क्या मामला है पासपोर्ट ऑफिस में? नहीं नहीं, तो रिन्यूअल का तो रहता ही है, हर साल जो रिन्यूअल होता है बच्चे का आइडेंटिटी कार्ड बनने के लिए। तो देखिए, बच्चे का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो एक साल तक के लिए भी जो बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं उसके भी पासपोर्ट जो है वो बनते हैं। और तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी पहुंची हैं पासपोर्ट ऑफिस, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के भी जो पासपोर्ट हैं वो हर साल रिन्यूअल होते हैं, यानी 10 सालों के लिए इनका पासपोर्ट जो है वो रिन्यूअल नहीं होता, बल्कि हर साल जो है उसे रिन्यू कराना पड़ता है। और इसी कड़ी में पिछले बार लालू प्रसाद भी यहाँ पे पहुँचे थे, और जिस तरीके से उन्हें रिन्यू कराना हुआ था, सिंगापुर उन्हें इलाज के लिए जाना था, CBI की विशेष अदालत में जो पासपोर्ट फोर्डर स्कैम के बाद उनके थे और उसे रिलीज करने की इजाज़त जो है वो मिली थी कोर्ट से, और अब यहाँ पे तेजस्वी यादव पहुँचे हैं और उनके अनुसार जो बच्चे हैं उसका भी पासपोर्ट जो है आइडेंटिटी के लिए उसको लेकर, और साथ ही साथ हर वर्ष इन लोगों को पासपोर्ट जो है वो रिन्यू कराना पड़ता है इसको लेकर। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश।